और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, निजामुद्दीन में लोगों की जमात इकट्ठा थी और इस मामले में अब मुकदमा दर्ज हो गया है। निजामुद्दीन मरकज को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है मौलाना साद के खिलाफ, ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, तबलीगी जमात के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार के निर्देश पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार को जानकारी नहीं दी गई, बताया नहीं कितने लोग थे। दिल्ली में धारा 144 लागू, फिर भी 1800 से ज्यादा लोग निजामुद्दीन मरकज पर मौजूद, जिसके बाद 24 कोरोना पॉजिटिव इन मरकज में मिले हैं, बाकी संदिग्ध हैं। 300 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब इस मामले में सरकार हरकत में आई है, सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और अब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तबलीगी जमात के कई पदाधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार के निर्देश पर दर्ज हुआ है मुकदमा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है मौलाना साद के खिलाफ, मुकदमा दर्ज हुआ है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिवांशु, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन कौन से आरोप लगे हैं? देखिए बिल्कुल रंजना, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन किया गया और उसमें सीधा तौर पर सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके खिलाफ जाकर ये मरकज का आयोजन किया गया, उसके तहत दिल्ली पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया है। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि मौलाना साद हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ जो ये जो जमात है उनके कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तबलीगी जमात जो है उनके कुछ अधिकारी हैं। सेक्शंस में आपको बताना चाहूंगा कि जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 है उसके तहत ये मामला दर्ज है। इसके साथ साथ सेक्शन 269, 270, 271 और 120 भी, तो इन तमाम धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है और कहीं ना कहीं जाँच शुरू कर दी है। और कोई भी इसमें आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। साथ ही साथ दिवांशु, अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल दिल्ली सरकार पर ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली सरकार को कैसे जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। देखिए तमाम तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर दिल्ली पुलिस को ये जानकारी क्यों नहीं थी कि 16 तारीख से जो लगातार वहां पर मरकज का आयोजन किया जा रहा था और 18 तारीख को भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, तो आखिर दिल्ली पुलिस को जानकारी इतने दिनों बाद कैसे लगी 31 तारीख को। लेकिन फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब अब क्राइम ब्रांच जो है वो ढूंढती हुई नजर आएगी और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इतना साफ है कि ये जो मरकज का आयोजन निजामुद्दीन में किया गया उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब देश को जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 24 दिवांशु भुगतना पड़ भी रहा है। दिवांशु भुगतना पड़ भी रहा है, मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, तबलीगी जमात के कई पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।